नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूँ विकास मनास। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी यात्रा होती है, धार्मिक स्थान है काफ़ी सारी जगहों पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आर एस कटोच, हम्बल से हैं। 3 अगस्त से यात्रा देहरा टाप की शुरू होने वाली है, तहसील मरमत में होती है। चलिए इन्हीं से जानते हैं कभी ये यात्रा शुरू होती है और कितने दिन की ये यात्रा होती है, किस तरह की भक्तजनों की भीड़ लगी होती है। सर स्वागत है आपका। देदनी टाप में दुर्गा माता के दरबार में होती है, जो अप्रैल के महीने में होती है। और फिर उसके बाद में हमारी वो नाग निगार की एक यात्रा निकलती है हमारे वहाँ मगोता से, इसका नाम चंडी माता की यात्रा होती है। ये मंडाउल से होती हुई ऊपर जाती है, जो कि ये दो यात्राएं हो चुकी हैं हमारी। 14/4/2019 अप्रैल में एक यात्रा और 26/6/2019 को एक दूसरी यात्रा। अब ये तीसरी यात्रा जो है हमारी हम्बल से गुरदार नाग मंदिर हम्बल से लेके देहरा टाप के लिए जाती है। ये यात्रा हमारी 3 अगस्त 2019 को शनिवार बरोज शनिवार को यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से चलते चलते ये यात्रा हम्बल थरोआ खलेनी गोहर रोड पे जाएगी। खलेनी गोहर रोड पे जाते हुए ये सीधी पीछे गुन में नाइट स्टे करेगी और फिर उसके बाद में सेकंड डे वहाँ से यात्रा जो है संडे वाले दिन एक बार को 4 अगस्त को जो देहरा टाप में यात्रा पहुँचती है और वहाँ पे देरे का मेला लगता है, जो बड़ा मशहूर मेला है। ये लगभग कहते हैं कि बड़े प्राचीन काल यानी द्वापर युग से लेके आज तक ये यात्रा चली आई है। उसी ज़माने से यात्रा आज बड़े ज़ोरों शोर से लोग इसमें शामिल होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट डोडा, इन दोनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में देहरा टाप जो है, जो बीच में पड़ता है पहाड़, और उस पहाड़ पे यहाँ पे एक नाग जो है, नाग का मंदिर है। यानी कि हम्बल से किसी एक उसी प्राचीन ज़माने में कहते हैं द्वापर युग में ही यहाँ से एक बकरे के रूप में एक नाग देवता था, जो बकरे के रूप में था एक फैमिली में, जो फैमिली आज भी हमारे हम्बल में मौजूद है। उस फैमिली से वो बकरा के रूप में चलकर वहाँ तक गया था और उसके पीछे उसका मालिक भागता हुआ गया, तो लास्ट में देहरा टाप में पहुँच के उसने उस तालाब में, वहाँ बहुत बड़ा तालाब है देहरा टाप में, तो उसमें वो डुबकी लगा गया था। तो तब से ये यात्रा जो है चली आई है, काफ़ी लोग वहाँ पर तालाब में जाके नहाते हैं और अपनी क्या नाम मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। हैं जी, तो ये यात्रा मतलब कि आपने जिस तरह से बताया हर साल 3 अगस्त को चलती है। हाँ, लगभग ये 3 अगस्त ही रहता है, जुलाई 31 या 3 अगस्त 2 अगस्त, इसी तरह से इन्हीं दोनों महीने के फर्स्ट या एंड में, यानी जुलाई एंड या फर्स्ट अगस्त दौरान, किसी में एक दो तीन इसी दौरान में होती है ये। सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम रहते होंगे? बहुत ज़बरदस्त, गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत पिछले 10 सालों से 2010 से लेके आज तक जो है हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम होता रहा है। सिक्योरिटी का प्रबंध बराबर बाकायदा हमें मिलता रहा, उसमें हमारी हर डिपार्टमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप मान लीजिए राशन का, हमें राशन की भी वहाँ से मदद मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ जहाँ पे लंगर लगाए जाते हैं वहाँ से भी गवर्नमेंट हमें मदद करती है। फिर उसके बाद में पानी पीएचई का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ हमारे वो रहता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डोडा डीसी की तरफ से हमें काफ़ी इसमें मदद मिलती है। सर एक और बात पूछना था, इतनी पहाड़ी पे जाना है तो यात्रियों के लिए क्या आपकी मतलब कि सोचना है कि किस तरह से तैयार हो क्या? देखिए, इस यात्रा की बात ऐसे है कि ये यात्रा पहाड़ी तो वाकई ही एक लगभग कम अज़ कम 13-14 हज़ार सता समुंदर से इसकी बुलंदी है और लोग अपनी पूरी बाकायदा सामान लेकर आते हैं, गर्म कपड़े लाते हैं, बरसातियाँ लाते हैं, छतरियाँ वगैरह लाते हैं, टॉर्च वगैरह अपने साथ रात को रहने के लिए सामान। ये उतनी लंबी यात्रा नहीं है, ये सिर्फ 2 दिन की यात्रा होती है और तीसरा दिन वापसी के लिए लगता है। मान लीजिए कि 3 दिन की यात्रा रहती है, 2 नाइट्स घर से बाहर होते हैं और फिर तीसरे दिन लगभग कुछ लोग वापस हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोग जो हैं बीच में गुन में जो स्टे करते हैं। यहाँ से यानी हम्बल से यात्रा निकलती है तो हम्बल से कुछ लोग गाड़ियों पे जाते हैं, कुछ लोग पैदल चले जाते हैं,
और इसी तरह से रात को नाइट स्टे जो है गुन में होता है वहाँ पे, हाँ रात को वहाँ पे लंगर खाना पीने का पूरा इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पे सोने बैठने का उनका पूरा एक इंतज़ाम किया गया है, वहाँ पे पिछले 10 सालों से ये कंटिन्यूसली वहाँ पे इंतज़ाम होता है। और उसके साथ में हमारे सिक्योरिटी पर्सन जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त अपने हिफाजत में, उनकी देख रेख में पूरी हमारी यात्रा जो है ऊपर पहुँचती है। यानी मैं डीसी डोडा को मुबारकबाद पेश करूँगा इसके बारे में, जो पिछले 10 सालों से हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी हेल्प मिलती रही है और आगे भी हमें उम्मीद है कि वो इसी तरह से हमें उनकी तरफ से हमें सहायता मिलती रहेगी। और इसी यात्रा के साथ में ना हमारी जो हैं बहुत सारी यात्राएं हैं, जैसे 17/8/2019 को हमारी सिंह संक्रांति मेला है जो खाखा मेला हो रहा है जिससे काफ़ी सारी बीमारियां लोगों की नहाने से दूर होती हैं। इसलिए लोगों को मैं ये भक्तजनों को ये कहना चाहता हूं कि इस मेले में भी आइए और अपनी जो खास करके खारिश वगैरह ऐसी दाने वगैरह जो हैं ऐसे जो बच्चों को परछाइयां वगैरह जो रहती हैं और काफ़ी सारे लोगों को जो और भी चमड़ी के जो रोग होते हैं उससे नहाने से दूर होते हैं किस तरह से। उसके बाद में फिर एक और हमारी यात्रा जो है फिर ये 23/8/2019 को ये हमारी 24 और 23 तारीख को जो है 25 अगस्त देदनी में जो ये हमारा कुड मेला लगता है, ये त्रिशूल भेंट यात्रा जो हमारी खलेनी से निकलती है हर साल, ये 1982 से लेकर लगातार ये जो सामने पहाड़ी दिखती है आपको, उस साइड जो पहाड़ी दिख रही है वो सामने वाली पहाड़ी जो है ये ऊपर जहाँ पे बादल छाए हुए हैं, यहाँ ये यात्रा खलेनी से सीधी सी पहाड़ी ऊपर को जाएगी और यहाँ पे 24 तारीख को, और आप देखेंगे कि 23 तारीख को जो हमारी जो मैनेजमेंट पार्टी है वो 23 शाम को वहाँ पे चले जाती है, सिक्योरिटी वगैरह वाले सभी यहाँ माता के दरबार में देदनी टॉप में चले जाते हैं, और 24 तारीख को बहुत सारे लोग जो हैं छड़ियाँ जो हर इलाके के पूरे इलाका परमत कल्याण और ये खास करके हमारे खलेनी और खलेनी से एक ज़बरदस्त बड़ी छड़ी जो है हमारी खलेनी से निकलती है, हम्बल से निकलती है, गुआ से निकलती है, इसी तरह से लोग रुधार के इलाके से आते हैं, बागुआ से आते हैं देदनी टॉप के लिए, त्राउन वगैरह भद्रवा से काफ़ी सारे लोग जो हैं हर तरफ से लोग जो हमारी तरफ। समय कम है हमारे पास, बाद में भी बात करेंगे इनसे क्योंकि कॉन्फ्रेंस, एक मिनट में फिर से बता दूँ आपको, 6 यात्रा जो है मरमत तहसील में आती है, ये 6 यात्रों में से तीसरी यात्रा जो जिसकी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आरएस कटोच, इनका कहना है कि 3 तारीख को हम्बल से ये यात्रा निकलती है, पीछे बिहुत्ता में गुन आता है जहाँ पे रात को नाइट स्टे होता है, उसके बाद दूसरे दिन देहरा टॉप की ओर जाती है ये यात्रा, सिक्योरिटी के भी काफ़ी सारे इंतज़ाम है। और यात्रियों से एक निवेदन है, अपनी जैकेटें छाता वगैरह साथ में रखें क्योंकि दूर दराज इलाके में जाना है, कभी भी बारिश हो सकती है, काफ़ी सारे चीज़ें हो सकती है। और उसके साथ जिस तरह से बताया कि आगे जो यात्रा कमिंग सून 17 तारीख को खाका नाला भरग्रह के बिल्कुल साथ में और हम्बल के बीच में ये मेला लगता है, यहाँ पे भी 17 तारीख को दिन को होता है जागरण वगैरह होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है यहाँ पे भी। फिलहाल आगे वाली इवेंट हम आपको नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, काफ़ी सारे इवेंट होते हैं इन जगहों पे, काफ़ी सारे लोग आते हैं टूरिस्ट के हिसाब से चाहे जिस हिसाब से। और इसके बाद जो है छोटा मणिमहेश है, छोटा मणिमहेश यात्रा, ये छोटा मणिमहेश जो है 3/9/2019 यानी 3 सितंबर को ये यात्रा जो है ये हमारी मूल थान माटी से निकलती है और वहाँ से निकलकर अपर बिहुत्ता से होते हुए ये 4 दिन की यात्रा रहती है। तो ये भी एक देखने योग्य जगहें हैं हमारी, ऐसे ऐसे खूबसूरत पहाड़ियाँ ऊंचे पर्वत हैं जहाँ देखने के बहुत नज़ारा है, ये छोटे मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। बहरहाल हम उसके पिक्चर्स भी फ़ोटोज़ वगैरह आपको हम देंगे, उसे आपको मुहैया कराएंगे, देदनी टॉप, देहरा टॉप और ये मणिमहेश का जो है ऊपर दरबार जो है मणिमहेश के लिए जो यात्राएँ जाती हैं हम आपको उनके बारे में। जी हाँ, इन जहाँ पे भी ये यात्रा या मेला होने वाला है जिस तरह छोटा मणिमहेश देदनी या देहरा टॉप, काफ़ी सारे भक्तजन इन जगहों पर जाते हैं दर्शन करने और अपना इंजॉयमेंट भी करते हैं साथ में। फिलहाल देखते रहें, मैं विकास मनास कैमरामैन कमलजीत के साथ।